हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 1 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें वो सारे रियल हैं, सारे बच्चों से पूछे गए हैं, तो ये सभी रियल क्वेश्चन दूसरों तक भी जरूर पूछेगा। और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक से जरूर किया करें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक की बात कर लेते हैं, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ के टॉपिक की बात करेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम जीके और साइंस देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। रीजनिंग का यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन के सेकंड शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन थे, अभी थर्ड शिफ्ट में आपके 6 से 7 क्वेश्चन है। ठीक है, इस लोग से आपका एक क्वेश्चन था आपका सेकंड में और एक ही क्वेश्चन है आपका थर्ड शिफ्ट में। एनालॉजी से भी एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से देखिए, आपका 2 क्वेश्चन सेकंड में थे, 2 ही क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में है। डायरेक्शन से भी आपका एक क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में। क्लॉक से भी एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वोटर इमेज कोई नहीं पूछी गई है अब थर्ड शिफ्ट में आपकी। ठीक है, और आपकी सेकंड शिफ्ट में ये एक वोटर इमेज का क्वेश्चन था। फिर ओड वन आउट का आपका एक क्वेश्चन है था, और वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन थे। और देखिए, यहाँ पे अब की बार वोटर इमेज नहीं पूछी गई, मिरर इमेज पूछी गई है, तो वो हम बताएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे गए मिरर इमेज के। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे वेन डायग्राम का था, धातु, सोना और प्लेटिनियम। देखिए, दोनों ही आपके सोना और प्लेटिनियम दोनों ही धातु होते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, एक क्वेश्चन था ये कि कुछ चादर कपड़े हैं और कुछ कपड़े कंबल हैं, इस तरीके का आपका श्लोक का एक क्वेश्चन था, श्लोगिज्म का। तो कैसे करना है भाई, देखिए कुछ चादर कपड़े हैं तो चादर वाला आपने एक वेन डायग्राम बनाया, और कुछ चादर कपड़े हैं तो इस तरीके से आपने उसको कट करके थोड़ा सा बना दिया। नेक्स्ट बोला कुछ कपड़े कंबल है, तो कपड़े वाला जो आपका वेन डायग्राम था उसमें हल्का सा कट लगाया और कुछ कपड़े कंबल बन गए। ठीक है, तो आपका जो पूरा वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ कुछ इस तरीके से हुआ था। इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकले दिए गए थे, कुछ चादर कंबल है तो कुछ चादर कंबल का तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, कुछ चादर कंबल हो सकते हैं। देखिए, हो सकने वाली कंडीशन आपकी राइट हो जाएगी, बिकॉज इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया ना, तो क्या पता इनके बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाए। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे भी तो देखिए ये बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, कि चादर कंबल है। ठीक है, और कंबल कपड़े भी हैं, और कुछ कंबल चादर भी हो सकते हैं। हो सकने वाली कंडीशन जो है ना आपकी, ये राइट हो जाएगी। और जो यहाँ पे बोला गया कि कुछ चादर कंबल है, ये आपकी 100% श्योरिटी के साथ में बोल दिया गया है कि कुछ चादर कंबल है, तो ये वाला राइट नहीं होगा। कुछ चादर कंबल हो सकते हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जिनके बीच में रिलेशन नहीं बताया जाता है और उनके बीच में सकते वाली रिलेशन आ जाती है, यानी कि कुछ कंबल चादर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चादर कंबल हो सकते हैं, तो हो सकने वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जिनके बीच में रिलेशन नहीं होते हैं। एक देखिए, ओड वन आउट, बिल्कुल डिट्टो में आपको ये डायग्राम आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ओड वन आउट का। इसमें से आपको मतलब भिन्न निकालना था कि इनमें से भिन्न कौन सा है, तो बिल्कुल एक बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना के भेजा था सारे डायग्राम ये इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इनमें अगर भिन्न देखा जाए, सभी को देखा जाए तो सेम फिगर है आपकी। ठीक है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज में ऊपर को साइन चिन्ह है आपका, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नीचे को है। बाकी ये भी कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, और इसमें त्रिभुज भी नीचे को है, तो कुछ यही थोड़ा सा अलग था, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन था, ई जिसमें पूछा गया था, ई में थोड़ा बहुत और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ई में थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं को और भी कुछ निकला हो सकता है, बट जितना मुझे फोन पे बताया गया तो उतना मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसका आपको मिरर इमेज बनाना, भाई ई इस डायरेक्शन में खुला हुआ है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन ई की खुली हुई है मिरर के पास, ये वाली। ठीक है, जो प्लेन वाली डायरेक्शन है वो पीछे है, तो यहाँ पे भी आपको प्लेन वाली डायरेक्शन पीछे रखनी है, जो खुली हुई डायरेक्शन है ई की वो मिरर के पास में रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी पीछे है तो ये भी पीछे आ जाएगा यहाँ से, तो राइट आंसर आपका इस तरीके का हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे था कथन निष्कर्ष से, कि जिन देशों की परिस्थिति ठीक है वहां टैक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था कि जिन देशों की परिस्थिति ठीक है वहां टैक्स नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष क्या क्या थे, टैक्स उन देशों में ही लगाया जाता है जिन देशों की परिस्थिति ठीक नहीं होती है, तो ये कहना मतलब उचित नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो परिस्थिति ठीक है भाई, टैक्स तो वहां पर भी लगता है। ठीक है, अब परिस्थिति बहुत सारे देशों की सही नहीं है, वहां पर भी टैक्स लगता है, तो ये कहना सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि टैक्स, हाँ टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए,
तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिन देशों की परिस्थिति ठीक है वहाँ टैक्स नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछे गए और बताया क्या क्या गया है यहाँ पे कि हाँ टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आप बिल्कुल जरूर करके आएंगे उनको सभी को। और यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का बिल्कुल जो असलियत में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितने थोड़े क्वेश्चन लाता हूँ बट जितने पूछे जाते हैं वही लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का भी मैंने एनालिसिस अपलोड कर दिया था, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड में मिल जाएंगे। यहाँ पे एक था कि स्टार को अगर ये लिखा जाता है तो ट्रू को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टार और ट्रू में क्या मतलब, स्टार को कैसे लिखा गया है, स्टार यानी कि एस का एक से पहले वाला वर्ड, माइनस वन चल रहा है बेसिकली बोला जाए तो। टी में से माइनस वन क्या, ए में से माइनस वन करेंगे तो जेड आ जाएगा, आर में से वन माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। उसी तरीके से हमें यहाँ पे ट्रू में करना है तो टी में से माइनस वन करेंगे तो एस, आर में से माइनस वन तो क्यू, यू में से माइनस वन तो टी, ई में से माइनस वन तो डी। तो इस तरीके से आपका कुछ ये वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सीरीज थी कुछ इस टाइप की। ठीक है, यहाँ पे लिखा था 128, यहाँ पे आपका खाली स्थान था 82, 62, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज दिख रही है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, तो माइनस होगा डिवाइड होगा। डिवाइड में तो बहुत ही जल्दी से सीरीज डिक्रीज होगी, और जो आपका माइनस चलेगा कुछ ना कुछ तो उसमें इतनी स्पीड से डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीमेंट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक ना करूँ शुरू में, यहाँ पे चेक करके देखिए डिफरेंस आ रहा है 20 का, फिर 18 का, फिर 16 का, इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट चल रहा है आपका। ठीक है, 20 से 18, 18 से 16, तो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप यहाँ पे इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 104, और यहाँ पे से आप माइनस करके देखेंगे 22 तो आपका कितना हो जाएगा 62, ये 82 में से माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, यहाँ पे 104 राइट आंसर हो जाएगा। एक और मिरर इमेज का क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो ये एक बच्चे ने भेजा है मुझे। तो इस तरीके की भी मिरर इमेज आपकी पूछी जा रही है, तो कोई हार्ड नहीं है मिरर इमेज का, तो आप सारे बच्चे करके आ जाएंगे राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये वाला पोर्शन जो जिसमें ये आपका पॉइंट नहीं है, ये वाला मिरर के पास में है, तो इधर भी ये इसी को मिरर के पास में रखिए, और जो पॉइंट है इसको दूर है यहाँ पे तो उसको दूर ही रखिए। ठीक है भाई, चलिए मैथ के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। पहले टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपका नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो इससे भी क्वेश्चन था, और एज से क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन था, SI से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, CI से क्वेश्चन था। हाँ, एक बच्चे ने बताया कि CI से क्वेश्चन था, SI से क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड मास के 3 क्वेश्चन थे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन थे, और टिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से भी आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाई चार्ट के आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, पाई चार्ट के क्वेश्चन मिल तो नहीं पाए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर आपके थर्ड शिफ्ट में तो पूछे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि एक बस है कि ए और बी तक की कोई दूरी है, और यहाँ से ए से बी तक की दूरी जाती है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर वापस आती है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब ये वाली डिस्टेंस जो ए से बी, ये फिक्स डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस है, बट कोई चेंजेबल डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस है। अब जब एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग चाल से कवर किया जा रहा है, जाना अलग चाल से और आना अलग चाल से, तो मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी। ठीक है, औसत चाल आपको यहाँ पे निकालनी थी, तो कैसे निकालते हैं भाई, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा जरूर, और ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, 2 × 65 × 78 आपको करना है, 2 चाल जो है। ठीक है, और अपॉन में क्या करना है, 65 + 78, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,140, और 143 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70.90 किलोमीटर पर आवर, ये राइट आंसर हो जाएगा। मेन बात यहाँ पे ये है, समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपको ये पहले नहीं पता था कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये वाली ट्रिक जो है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यहाँ पे ये वाली तभी अप्लाई होगी जब एक ही डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है ना, ये चेंज तो नहीं हुई, इसको 2 चाल से कवर किया गया हो, यानी कि गया अलग चाल से था ये बस, और आई अलग चाल से है, या फिर कोई भी एक लंबी डिस्टेंस को भी हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है और इसको मैं आधा आधा कर देता हूँ, ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, और ये सेम डिस्टेंस होगी 5-5, और यहाँ पे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 किलोमीटर की है, और नेक्स्ट 5 किलोमीटर 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर की है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से कवर किया जाता है तब इसको अप्लाई करना है।
ठीक है भाई। एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे दिया गया था कि एक क्लास में 460 बच्चे हैं, उसमें से 56% पास हुए, तो पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ, 56 की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम दे के आया उसको पहले ही इतना स्ट्रेस होता है माइंड में कि वो सारी परसेंटेज और सारी डिजिट सही नहीं बता पाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें कि बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं था, तो ये क्वेश्चन था बट डिजिट थोड़ा इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक क्लास में 460 बच्चे हैं, उनमें से 56% पास हुए, तो पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो 460 का आप 56% निकालिए, ठीक है, 460 का 56% निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा आपका इसको कट जाएगा, आपका कितना जीरो से जीरो कट जाएगा और ये टू से कट करेंगे 5 टाइम, टू से करेंगे 28 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 257.6। ये इतने बच्चे हैं। तो देखिए पॉइंट में आए, पॉइंट में तो बच्चे नहीं होंगे ऑब्वियसली, बात सीधी सी है कि यहाँ पे परसेंटेज कुछ और हो सकती है, तो ये आप इतना समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक था आपका यहाँ पे कि किसी शहर में 5% लोग मर गए और उसके बाद 8% लोग मर गए और बाद में उस शहर में 3200 लोग बच गए, तो कुल कितने लोग थे। भाई एक बार 5% मर गए, एक बार 8% मर गए और उसके दोनों के मतलब दो परसेंटेज मरने के बाद में आपका जो बचे बाद में 3200 बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज का 1% बना लेंगे कि टोटल परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कितने परसेंट मरे हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज का यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 8, 5 × 8 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 13 और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 0.40 आपका हो जाएगा, यानी कि 8 × 5 = 40, 40 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.40 आ जाएगा। तो दोनों को प्लस किया हमने, तो टोटल अगर परसेंटेज मरने वाले की संख्या देखी जाए, वो परसेंटेज में देखा जाए तो 13.40% ये इतने परसेंट लोग मर गए। तो बाकी के जो बचे हुए होंगे कितने होंगे, 86.60 ये बच गए होंगे, तो 86.60% बचे हुए हैं, तो इसका मतलब बचे हुए की हमें वो भी तो पता है ना, संख्या 3200 है, तो ये जो आपके है 86.60 ये परसेंटेज इस 3200 के इक्वल हो जाएगी, तो 3200 को 86.60 से डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका ये 36, यानी कि 3695.15 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी शायद कोई वैल्यू इधर उधर हो रखी है, 5% की जगह 8% या 3% कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो ये पॉइंट में है या फिर पॉइंट में भी हो सकता है आंसर, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है पॉइंट में ही आ रहे हैं आंसर। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से कुछ इस टाइप का था, वैसे डिजिट इसकी मैंने अपनी तरफ से रखी है, जो बच्चे ने डिजिट भेजी थी वो बिल्कुल गलत थी, उनसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा था, तो ये डिजिट मैंने अपनी तरफ से रखी है, ठीक है, तो इसमें ये मत बोलिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। यहाँ पे था कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में और ए और सी 15 दिन में कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे बी से वर्क कराया जाए तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया आपका 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो ए और बी एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर लेते हैं, 60 को हमने 12 से डिवाइड किया, बी और सी एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर लेते हैं, 60 को 15 से डिवाइड किया तो ए और सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर लेते हैं, हमने दोनों को प्लस किया तो कितना 11 यूनिट, यानी कि अब मैंने इन दोनों को प्लस क्यों किया, यहाँ पे निकालना है बी का वर्क कितना है, तो बी इस लाइन में, इस लाइन में, तो दोनों को प्लस करिए 11 आएगा और इस लाइन में नहीं है तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 11 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए किया कि बी का अगर मुझे निकालना है ना कि बी का शेयर कितना है, बी एक दिन में करता कितना है, क्योंकि सेपरेट तो हमें किसी का नहीं पता, ए बी का पता है, बी सी का पता है, ए सी का पता है, तो बी का अगर निकालना है तो बी इस लाइन में, इस लाइन में दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेंगे, तो यानी कि बी का शेयर, बी का जो वर्क है एक दिन का वो 7 यूनिट है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो 60 यूनिट वर्क है ना, ये आपका मतलब सिंगल वर्क है और ये सभी डबल डबल ऐड हो रखे हैं, ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, तो यहाँ पे हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा, यानी कि जो 7 यूनिट वर्क है ये 7 यूनिट वर्क नहीं है बी का 3.5 यूनिट वर्क है, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट या तो 3.5 को डिवाइड करिए, 60 को 3.5 से डिवाइड करिए, या फिर इसको डबल कर लीजिए और यहाँ पे इसको 7 से भाग कर दीजिए, तो कितना होगा 17.14 डेज में ये वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और था बड़ा ही अच्छा सा, एक व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 3500 रुपये में खरीदता है, उसने मेज 20% लाभ पर और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी, इस प्रकार उसे कुल 23% का लाभ हुआ, तो बताओ मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको कर तो हम दूसरे तरीके से भी सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मेथड है यहाँ पे एलिगेशन मेथड, जिसको हम लगा के इसे विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं।
जब भी कोई भी चीज, ठीक है, जिसपे आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई भी हो, मतलब आपको तीन चीजें मिल गई, एक तो आपको एवरेज औसत वाली, ठीक है, यानी कि कुल उसको जो परसेंटेज लाभ हुआ वो आपको 30% हुआ, और उसे अलग अलग से कितना हुआ, 20% और 30% हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेज पे उसे कितना परसेंट लाभ हुआ, 20%, और उसे कुर्सी पे कितना हुआ, वो हुआ आपका 30%, और जो दोनों पे मिला के वो हुआ उसका 23%। तो हमें एक चीज कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे होनी चाहिए, जो बीच में वैल्यू रखते हैं वो एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आप एलिगेशन कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 7, तो 7:3 का रेशो आ गया। आपके पास 3500 रुपये वैल्यू है, ठीक है, दोनों की, तो एक व्यक्ति ने एक मेज और कुर्सी को 3500 रुपये में खरीदा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसमें मेज की वैल्यू कितनी है और कुर्सी की कितनी है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 3 10, तो 3500 को 7 से भाग कर देंगे, और किसका निकालना है, मेज का, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, 3500 को 10 से भाग करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2450 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी कि जो मेज का है, देखिए 7 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेज का पूछा था, तो मेज का आपका 7 है ना रेशो, तो 7 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका 2450 राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ जीके के क्वेश्चंस की जो मिले हैं, बिल्कुल मतलब जो एक भी क्वेश्चन कम क्वेश्चन है, बट सारे के सारे जितने भी बच्चों ने भेजे हैं वो सारे के सारे हैं, अब सबके सब याद तो रह नहीं सकते, ठीक है, तो इधर उधर से ऐड वेड करके कुछ नहीं लाया हूं मैं, जितने हैं रियल है सारे के सारे, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल पूछी गई थी झारखंड की, तो रांची सभी को पता है, कोल्डिंग में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम भी पूछा गया था, तो ए आर रहमान राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का राजकीय फूल भी पूछा गया था, तो प्लास आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोधी वंश के यहाँ पे संस्थापक पूछे गए थे, तो कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया की कैपिटल यहाँ पे पूछी गई थी, तो उलाला बतर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजीव गांधी पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 2017 में राष्ट्रपति कौन था, तो देखिए जो अगर बात की जाए तो 2017 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, सभी को पता है, ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका ऑप्शन में था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एक बेस्ट एक्ट्रेस 2017 का कुछ अवार्ड पूछा गया था, तो अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके जो भी आपको अवार्ड पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों हम जल्दी आपके लिए बहुत ही कुछ लेके आने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी हो रखा हूँ, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए कि जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपकी मतलब हेल्प करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और आपको जल्दी पूरा लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और कोई भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, कोई भी मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ठीक है, मैथ रीजनिंग, ठीक है, और आपका जीके वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, तो कोई भी अगर पढ़ा सकता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा, या फिर आपके कोई आसपास टीचर हो अच्छा सा तो उससे भी बात करके मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मेल आईडी हमारी है topicstudy42997@gmail.com, मैं पिन कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप उस पर अपना रिज्यूम हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी हैं, अगर आप टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे मिल जाएगी, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उसके बाद वहाँ पे सब टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं कि अगर मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, मतलब जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं पर कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्वालिटी के साथ में कंटेंट दिया जाएगा, यानी कि कुछ भी आपका मतलब हर चीज़ एक आपके लिए सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, पीडीएफ हो चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे बात की जा रही है चार्जेस की, तो चार्जेस अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं लिया आपसे, और शायद भगवान करे कि आगे भी मैं आपसे कोई चार्जेस ना लूँ, ठीक है, तो बस आप ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा, कोई चार्जेस कभी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई चार्जेस लिए जाएंगे तो आपको साफ सीधी चीज़ बताई जाएगी, इस टाइम मैं इस कंडीशन में हूँ तो आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे पूछ के लिए जाएंगे, इंटरेस्टेड होगा कोई तो दे सकता है, अदरवाइज कभी नहीं ऐसी नौबत पड़े तो अच्छी बात है, ठीक है। जो भी आपका डाउट होता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जल्दी आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, वो मैं आपको हर बार बोल ही रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहे कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।